हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूं बिग बॉस का ऑनर्स रिव्यू लेके। दोस्तों कल जैसे मैंने बताया था वीकेंड का वार, सलमान भाई शुक्रवार को घर के अंदर थे। अब कल जो सबसे बड़ी चेंजेस थे बिग बॉस के अंदर, भाई जैसे बिग बॉस चेंजेस तो कर ही आ रहे हैं, बिग बॉस सबसे बड़ा चेंज ये था कि सलमान भाई जो स्टेज पर वार ले करते थे वीकेंड का वार, वो घर के अंदर आके वार करने लगे। अब ये चीज देखा जाए तो कल जैसे पूरा एपिसोड था, पहले स्टार्टिंग में लगा कि भाई जो सलमान भाई वीकेंड का वार स्टेज पर लेते थे वो ज्यादा बढ़िया लेते रहे, बट एट द देखा जाए कि बिग बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो सलमान भाई अंदर आए हैं तो उससे उन्होंने कुछ समथिंग डिफरेंट करा, अच्छा भी करा वो। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ था, सलमान भाई आए वही अब्दू से मिले, अब्दुल आपको पता ही है सलमान भाई का फेवरेट है, फाइव कंटेस्टेंट का फेवरेट है सबका। तो उन्होंने उसको जो अब्दुल बड़े से डंबल मांग रहा था छोटे के, बिग बॉस दे दो बिग बॉस, तो सलमान भाई उसके लिए डंबल लेकर आए थे। तो बस सलमान भाई ने कहा भाई अब तो मैं अंदर आया हूँ घर के अंदर तो पार्टी तो बनती है। तो सलमान भाई ने कहा भी पार्टी के तो पहले भी होती थी, अब सलमान भाई घर के अंदर पार्टी दी, अंदर पार्टी दी। सलमान भाई ऐसा ही मैं अपने सारे सदस्य लेके जाऊंगा अंदर, वो अब्दुल को लेके जाते हैं। अब अब्दुल अगले को अटेंड करेगा, मतलब इनवाइट करेगा, वो उसको अगला इन्वाइट करेगा, वो इसको इन्वाइट करेगा, इस तरह का चेन बन जाएगी और टोटल 10 सदस्य हैं जो मेरे साथ डिनर पर चलेंगे और बाकी 6 घर के बाहर ही आ जाएंगे। बस बारी बारी सारे एक दूसरे को अपना इन्वाइट करते रहे और अंदर जाकर इस टाइम 10 सदस्य पूरे इकट्ठे हो गए। अब 6 सदस्य जो घर के बाहर रह गए थे वो उनमें से मान्य और सकेती के अंदर बीच में लड़ाई हो गई, वही औकात, तेरी औकात क्या है, तेरी ये है, तू सिर्फ टीवी सेलब है, मैंने देश को रिप्रेजेंट करा, ये तो अच्छी खासी लड़ाई देखने को मिल गई। अब बारी थी अंदर पार्टी की, देखा जाए तो सलमान भाई जो डिस्कशन करते हैं उन्होंने उस टेबल के ऊपर बैठ के पूरी जिसे कहते ना बिग बॉस का एक प्लान कर दिया कि जो बिग बॉस खिलाड़ी थे आप समझते रहिए मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, इससे ये पूरा हो गया कि कौन से 10 सदस्य जो एक दूसरे को लाइक करते हैं जिन्होंने एक एक करके आगे बुलाया और कौन से 6 थे और जो बाहर रह गए, तो थोड़ा सा रसाकशी मिली वहां पे। सलमान भाई ने टेबल में खाना तो जिसे कहते हैं नहीं खाया, बट हर एक को जिसको एक चीज को वो कहते हैं ना कि वो कहाँ पे है, कितनी खेल रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ उनको दिखा दिया गया, आईना दिखा दिया गया। यहाँ पे शालिन की भी क्लास ली गई कि भाई तू जो कर रहा है वो तू बनावटी लग रहा है और तू अपने को समझ रहा है कि मैं ही घर चला रहा हूँ, यही मैं कर रहा हूँ, तू भाई तू तेरा ख्वाहिश है ना बिग बॉस चलाने की, तू पहले एक ऐसा कंटेस्टेंट बन जा, चला बाह में लियो। दूसरा जो एमसी के उसका था उसको भी बताया गया भाई जो तूने लड़ाई करी थी तू स्टैंड ले रहा है, बट ये कि उस स्टैंड को कंटिन्यू रख, फिर ये मत कर। और सबसे बढ़िया जो तारीफ करी वो करी शिव की, शिव को बोला शिव तू अच्छा स्टैंड ले रहा है बढ़िया, बट तू जब वो तेरे अगेंस्ट झुंड में आ जाते हैं तो भाई तू एकदम पीछे हट जाता है, तो प्लीज ऐसे खेल तो ढंग से करो पूरी फॉरवर्ड के साथ खेल के। अब्दुल साहब पता ही है बढ़िया ही है। उसके बाद साजिद खान को भी थोड़ा सा बताया गया, साजिद खान ने सबको एक कमा लिया और वहां पर सलमान भाई ने कहा भी ये पार्टी यहीं खत्म होती है और अब सब बाहर जाएंगे। तो देखा जाए तो पार्टी तो सलमान भाई ने खत्म कर दी और सलमान भाई ने ये भी बोल दिया अभी अब कल मैं मिलूंगा रात को 9:30 बजे, शनिवार को 9:30 बजे मिलेंगे वीकेंड के वार के अंदर। और यहीं सलमान खान ने जी ने कल अपना रोल जिसे कहते हैं बिग बॉस वहां पर खत्म कर दिया था। तो बहुत छोटा वीकेंड का वार था, जैसे पहले आता था डेट ज्यादा सलमान भाई की डेट्स नहीं है, टाइमिंग नहीं है, उसके अलावा बहुत छोटा वीकेंड का वार था। दूसरा उसके बाद घर वाले वही, अब एक बार जब पता ही आपको कि सबको ने बताया इसने मुझे नहीं इनवाइट किया, उसने मुझे मना नहीं करा, ये वैसे मेरा दोस्त बनता फिरता है, मुझे बुलाया क्यों नहीं इसने, तो थोड़ी खासी रक्षा खसी उसके बाद भी देखने को मिली। यहाँ पे जो अपना टीना थी, टीना के और शालिन के बीच में भी झगड़ा देखने को मिला, भाई वहां पे तू वैसे तो बोलता रहता था, तूने मुझे वहां पर अंदर ही लेके गया, तो तुम अगर दोस्त है तो दोस्त रहनी तो मत रहा भाई, वो कह रहा है तू अगर मेरे से लड़के बात करेगी तो मैं भी तेरे से लड़के बात करूंगा। तो थोड़ी बहुत रशी रशी यहाँ पे देखने को मिली टीना के और अपना शालिन के बीच में। तो दोस्तों ये तो था कल का एपिसोड, आज शनिवार जो वीकेंड का वार आएगा जो 9:30 बजे स्टार्ट होगा, आज सलमान भाई वही करेंगे हिट और फ्लॉप भाई, एक कि ये कौन सा हिट है कौन सा फ्लॉप सदस्य है, एक एक करके सदस्य आएंगे बताएंगे भी ये सदस्य हिट है या फ्लॉप है, जो फ्लॉप है उसके ऊपर फॉक्स ही डाल देंगे और वह इस तरह टास्क को परफॉर्म किया जाएगा। इसमें एक तरफ ये सलमान यही बता देंगे भाई तू अंदर परफॉर्म नहीं कर रहा तो घर वालों के साथ तू फ्लॉप है तो इस चीज़ को इम्प्रूव कर। दूसरा गुड बाय पिक्चर लगी है तो रश्मिका मंदाना और नीना गुप्ता आएंगी अपनी पिक्चर को प्रमोट करने के लिए, वही सलमान भाई जैसे पहले टास्क खेलते थे हेडफोन लगा के तुमने बताना है ये वो, थोड़ा वो टास्क किया जाएगा, उसका हुक स्टेप किया जाएगा, वो अपनी प्रमोट करके पिक्चर घर से बाहर चली जाएगी। अब उसके बाद सलमान भाई एमसी स्कैम भी पकड़ लेंगे, भाई तू ऐसा कि अचना से कन्विंस अनचना को कहा पाएगी तो उसे कन्विंस कर कि भाई अपना जो 40,000 का तरह से जूता है वो तेरे को दे दे तो उसके बदले तेरे को ये चीज़ मिलेगी, बस वही थोड़ा सा टलर रहा है तो इस तरह थोड़ा बहुत टास्क कराएंगे सलमान भाई। दूसरा बात रही इविक्शन की, तो आज पहला वीकेंड का वार है तो मेरे ख्याल से आज इविक्शन नहीं होगी।
ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस का ऑनेस्ट व्यू लेके। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहिए मायापुरी कट।